नमस्ते, मैं हूँ अंशु। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग इन काशी में। आज हम लोग बनाएंगे टी टाइम का बहुत ही क्विक रेसिपी, जो है क्रिस्पी कॉर्न। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने उबला हुआ कॉर्न लिया है 1 कप और मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच नींबू का रस और देंगी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 बड़े चम्मच और मैंने लिया है 1/4 छोटी चम्मच नमक। स्वाद के अनुसार आप बढ़ाओ घटा दोनों सकते हैं। तो मैंने एक बाउल में कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, सारे कॉर्न को मैंने डाल दिया है। इसी में डाला मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब इसमें जाएगा नमक और ये लाल मिर्च पाउडर। सबको इसमें डाल के अच्छे से इस पर कोटिंग चढ़ानी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच पानी, क्योंकि मैंने इसे पहले ही उबाल लिया था। आप अगर तुरंत उबालेंगे तो इसमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए थोड़ा सा और ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें 1 और चम्मच पानी डाल दूंगी। टोटल मैंने 3 बड़े चम्मच पानी इसमें डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स हो चुका है, तो वह हम तलने के लिए गैस पे तेल रख दिए हैं। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे ही रखा है, क्योंकि बहुत तेज हमको तेल नहीं चाहिए। बहुत तेज रखेंगे तो ये फूट के बाहर आने लगता है और जल भी सकते हैं आप। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण डालूंगी। तो मैंने आधा मिश्रण डाल लिया है। तो इसे अच्छे से चलाते हुए हम तलेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो इसको मैं लीड से ढक दे रही हूँ, तेल बाहर ना आए और गलती से एक दो भी बाहर ना पाए। तो इसे ढक के हमें तलना है। इसको तलने में लगभग 5 से 7 मिनट लगता है। सिम फ्लेम पे तलेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और चला लूंगी और इसको चलाते हुए अच्छे से तलूंगी। देखिए 5 मिनट बाद एकदम क्रिस्पी होकर रेडी हो गया है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसको हम निकाल लेंगे और फिर से तेल को ठंडा कर देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और बचा हुआ मिश्रण इसमें डाल देंगे। इसको भी वैसे ही तलना है। फिर से मैं लीड लगा दूंगी और 5 मिनट के बाद इसको निकाल लूंगी। देखिए 5 मिनट बाद ये तल के रेडी हो चुका है। 1 मिनट के लिए लास्ट में हम लोग गैस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे जल्दी रेड हो जाए, पर ढक के ही आपको इसको रेड करना है। तो मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये क्रिस्पी कॉर्न बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में,
ये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, अंदर से एकदम जूसी, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो चलिए इस पे थोड़ा सा मसाले का कोटिंग कर लेते हैं। तो इस पे मैं डालूंगी आधा छोटी चम्मच नींबू का जूस और थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहें तो अपने मनपसंद मसाले के साथ भी इसे खा सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया डाल के मैंने गार्निश कर दिया इसको। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये क्रिस्पी कॉर्न खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।